गांव जा रहा है, गांव भाई यहाँ पर काम धाम नहीं है, क्या करें? सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है? नहीं, खैला बिना मर रहा है, क्या करें? लॉकडाउन लग गया। बार भाई मैं गया था पैदल, तो पिछली बार की तरह इस बार मैं डर रहा हूँ फिर ना पैदल जाना पड़े। सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है। अब क्या कहूँ, अब काम चल नहीं रहा तो क्या करूँ फिर? घर में बर्बाद कर रहे हैं। अब हमें क्या पता कौन बर्बाद कर रहा है? बीमारी बर्बाद, बीमारी बर्बाद, तो फिर क्या, जब काम नहीं चलेगा तो वही बर्बाद होगा बस। क्या सरकार भरोसा नहीं करते हैं? वर्षा पूरा उठ गया, उठ गया बिल्कुल। काम तो एक हफ्ते पहले ही बंद हो गया, अब बिल्कुल ही बंद कर दिया। जब तो कह रहे थे 2 दिन के लिए लॉकडाउन कर रहे हैं, अब सीधा डायरेक्ट आना पूरा 26 तारीख या 30 तारीख तक के लिए कर दिया पूरा परमानेंट। तो अब क्या करेगा बंदा, घर ही जाएगा। सरकार हेल्प नहीं कर रही? सरकार तो इतनी हेल्प कर रही है क्या ना, इधर से उधर परेशान कर रखा है। पहले कह दिया उधर चले जाओ, वहाँ पे गए किसी तरह से, महानी पे बस मिली, वापसी आए इधर तो फिर पुलिस वालों ने रोक लिया। नमस्कार, मैं एमडी नासिर और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। अभी मैं मौजूद हूँ आनंद विहार, और आपको पता है कि आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल तक दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका है, संपूर्ण लॉकडाउन लग चुका है, जिसकी वजह से जो प्रवासी मजदूर से जो अलग अलग राज्यों से दिल्ली में कमाने के लिए आए थे, अब वो लोग अपने गांव के तरफ चलना शुरू कर दिए हैं। यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे भीड़ भी लगी हुई है, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। आइए मैं इन्हीं से जानता हूँ आखिर इनकी क्या परेशानियाँ हैं, क्यों घर जा रहे हैं। जी आपका क्या नाम हुआ? अशोक नाम है सर। ये अशोक कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बिहार चंपारण के रहने वाले। चंपारण के? हाँ जी। तो आप कहाँ जा रहे हैं? गांव जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? लॉकडाउन लग रहा है, अब क्या करेंगे? तो लॉकडाउन में सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है? कहाँ कोऑपरेट, कोऑपरेट करती तो जाते नहीं। सरकार से क्या चीज़ का डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है इसलिए जो हम लोग यहाँ रहेंगे, खाने के कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ कमाएंगे तो खाएंगे, काम ही बंद हो गया तो कहाँ से खाएंगे? कब आए थे घर से? हमको तो 2-2.5 महीने हो गए। तो पैसा उसका कुछ कमाए हैं? कमाए थे, घर पे भेज दिए। घर पे भेज दिए? हाँ जी। फिर घर जा रहे हैं? हाँ। घर पे क्या करेंगे? अब काम करेंगे, जाएंगे तो अपने खेती बाड़ी के काम करेंगे, दूसरा क्या करेंगे? बाहू बाहू मातो। कहाँ जा रहे हैं? गाँव जा रहा है, गाँव हाँ। आज तक कुछ खाया था? कितनी देर से यहाँ पे? किस चीज़ से जाएंगे घर? अब जाएंगे बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे। टिकट का अभी मिला तो नहीं है। आपके पास तो सामान भी है, मतलब पूरा सामान लेके जा रहे हैं? नहीं, सामान खाली जा रहा है, कपड़ा वपड़ा लेकर। कमरा खाली कर दिया? नहीं, कमरा सामान तो कर रही है ना? क्या कर रहे हैं? सरकार सहायता नहीं कर रही? नहीं, कहाँ कर रहे हैं? कोई सहायता नहीं की सरकार ने, और सहायता कर इसीलिए तो भाग रहे हमारे पास। यहाँ पे हमारे साथ दो शख्स खड़े हैं, बाल्टी लेके खड़े हैं। क्या कर रहे हैं बाल्टी लेकर यहाँ पर? और आप मास्क नहीं पहने हैं, ये गमछा लगा रहे हैं मुँह में। कहाँ जा रहे हैं? बोलिए बोलिए। अरे साहब गमछा लगा के बोलिए, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं? ओपी ओपी जा रहे हैं। क्यों? तमाते जा रहे हैं। तो दिल्ली में क्यों नहीं रह रहे, रुक रहे हैं? क्या डर लग रहा है आपको? भाई साहब आप बोल लीजिए, क्या परेशानी है, क्यों जा रहे हैं? परेशानी यही है, गेहूं कटने वाला होगा इसलिए जा रहे हैं सर। गेहूं कटने? गेहूं तो कट गया गांव में जी, हमारे यहां भी कट रहा है। लॉकडाउन लगने रहा है उसकी वजह से? ना ना, इसलिए नहीं जा रहे हैं। ना ना, क्या कर रहे हो? घर को जा रहे हैं। अरे क्यों जा रहे हो? अरे माइक में बोलने से डर लगता है। खराब है? क्यों खराब है? और क्या, 4-5, 8-9 महीना पहले बर्बाद कर दिया मेरे, अब भी बर्बाद कर रहा। अब गांव भाग रहे हैं, और क्या, अब काम चल नहीं रहा तो क्या करूँ फिर? घर में बर्बाद कर रहे हैं। अब हमें क्या पता कौन बर्बाद कर रहा है? बीमारी बर्बाद, बीमारी बर्बाद, पता नहीं कौन बर्बाद कर रहा है। तो फिर क्या, जब काम नहीं चलेगा तो वही बर्बाद होगा बस। क्या तुम किसको बता दे फिर, किसका नाम ले लो? अरे बोलो साहब, काम धाम नहीं चल रहा, घर जा रहे हैं इसलिए। कब आए थे? अरे लॉकडाउन पहले आते थे, यहीं पड़ा हूँ मैं। अच्छा, आपकी पत्नी है? हाँ, मेरी पत्नी है। तो परिवार के साथ क्या रहते हैं? हाँ, परिवार साथ रहते हैं, जा रहा हूँ मैं। हाँ। गांव जा रहा हूँ। खबर आते हैं 10 बजे से लॉकडाउन कर्फ्यू लग रहा है, इस वजह से अचानक निकल गए क्या?
अचानक अगर निकल जाएगा, अगर चार तरह के लोग लोडन लग जाएगा, फिर कहाँ से कमाएंगे, कहाँ कहाँ से खाएंगे, इतनी प्रॉपर्टी ना मेरे पास। गांव में क्या करेंगे जाकर? अब वहाँ देखेंगे, खेती बाड़ी का कुछ होगा तो देखेंगे, होगा तो खाएंगे गेहूँ यूँ जो गाँव का होगा। सरकार तो पूरा सेवा कर रही है, कहाँ दे रही, मुझे ना दे रही, हमारा रिकॉर्ड देख लिया जाए कि हमारे बच्चों का और हमारा गुड्डू नाम देख लिया जाए, हमारे पास अगर 5 किलो गेहूँ का कोई रिकॉर्ड हो। इससे पहले आपको राशन नहीं मिला था? नहीं मिला, रिकॉर्ड देख लिया जाए मेरा, 1000 रुपया नहीं मिला था कभी ना मिला। सरकार तो लगातार दावा कर रही है कि हमने मदद की है, तो देख लेना हमारा खाता देख ले, गुड्डू नाम है, अकाउंट नंबर लो, आधार कार्ड ले लो, देख लो अगर 1 रुपया आया गवर्नमेंट से मेरा। ये आपके बच्चे हैं क्या? ये लड़का है मेरा। इधर आ जाओ, क्या नाम है? मोहित। घर क्यों जा रहे हो? नहीं बोलोगे? शर्म आ रहा है। अरे शर्म, चलिए। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग अपने झोरिया बोरिया को लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम शिवचरण भरद्वाज है। तो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? शादी है, शादी में जा रहे हैं। डर के मारे जा रहे हैं? नहीं, डर के मारे नहीं जा रहे हैं, 25 अप्रैल की शादी है। 25 अप्रैल को शादी है? हाँ जी। गाँव लग रहा है, उसका डर नहीं? नहीं नहीं। ठीक है, तो आपको तो जाइए तब। आप बोरिया बस कर लेकर कहाँ जा रहे हैं? शादी में जा रहे हैं। शादी में जा रहे हैं, अच्छा देखते हैं। तो आज रात से पूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है, पता था? हमें ना पता है, दिल्ली में हम तो नोएडा जा रहे हैं। किससे घर जाएंगे? रेलवे से। टिकट कटा रखे हैं? हाँ टिकट है। अच्छा, घर में शादी है इसलिए जा रहे हैं? पहले बताओ। मेरा नाम है अंकित। अच्छा, हाँ। कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ यूपी कन्नौज। अच्छा, हाँ। दिल्ली में क्या करते हो? यहाँ पे मैं टी शर्ट का काम कर रहा था। हाँ, तो आज अचानक क्यों घर जा रहे हो? अरे ऐसी बात है, मेरी शादी है। हाँ, तो वो मैं जाने वाला था, मेरी शादी है अगले दिन। कब शादी है? मेरी है फिलहाल, मेरी 13 मई को है। 13 मई को है? हाँ। तो अप्रैल में क्यों जा रहे हो? अरे इससे पहले जाऊंगा, बताया जा रहा और लगेगा लॉकडाउन अभी। कहीं ना कहीं लॉकडाउन का डर है। हाँ, इसीलिए बताऊँ, पिछली बार भाई मैं गया था पैदल, तो पिछली बार की तरह इस बार मैं डर रहा हूँ, फिर ना पैदल जाना पड़े। सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही? अब क्या कहूँ, बोलो, दर्द बताओ, क्या हाल? दर्द क्या आया बताओ भाई, दर्द यही है। दर्द ही है, पहली बार भी लॉकडाउन लग गया था। अच्छा। तब पैदल गया था। हाँ। अब फिर लगने वाला है 3 दिन का। अच्छा। 1 महीने का। अच्छा। उसके बाद फिर पहुँच जाएंगे, इधर पहले निकलने तो बढ़िया अच्छा है। मोदी जी तो आपके लिए फ्लाइट देंगे। अरे मोदी जी क्या करेंगे भाई साहब, वो बोले थे नहीं माइक में से गरीबों को मैं चप्पल से चलने वाले को हेलीकॉप्टर। अरे भाई साहब मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे, मोदी क्या बोलेंगे? हाँ? बोलते नहीं है। अब मोदी जी बोलते तो जो तुम बताओ, पहले तो मान लो सही था, पहले कुल मिला के 5 गए थे। अच्छा। फिर दोबारा फिर 5 चले, इसलिए अब हमने पहले चले जाएँ, इसलिए बड़ी अच्छा है हमसे, इसीलिए मैं ये बता रहा। पहले से पहले तो मतलब पैदल गए थे। पैदल पहले गए थे? हाँ। अब आपकी अपनी सुरक्षा खुद कर लें। हाँ। अपने खुद बस बांध से निकल लें। भरोसा नहीं कि खुद से सुरक्षा अपना कर रहे हैं? सरकार पर भरोसा नहीं करते हैं। भरोसा पूरा उठ गया? उठ गया बिल्कुल। क्यों? किसलिए? कोई सरकार क्या है, सरकार क्या है, कोई चीज़ है? सरकार तो सहायता कर रहे हैं ना, कभी भी नहीं कुछ नहीं किया। अच्छा, आप बड़ा स्टाइल में बाल कटवाए हुए, क्या नाम है? मोहित। मोहित मोहित नाम है। थोड़ा मास्क उतार दो थोड़ी देर के लिए। कहाँ जा रहे हो? यूपी। यूपी क्यों? शादी है। शादी है? अरे यार सबकी शादी हो रही है, क्या बात नहीं, है? मेरे भाई की। हाँ, अच्छा आपके बड़े भाई हैं? हाँ। उनकी शादी है तो बोलो। हाँ। शादी है बोलो। हाँ। मेरे भैया की शादी है। हाँ। चलो यार, मतलब परेशानी है। हाँ। बहुत दर्द है। नहीं नहीं, क्यों टिकट नहीं क्यों कटाया? अरे इतनी पैसों की कमी है ना। टिकट दे रहे हो भाई आपको? यहाँ पे यहाँ से ये मानो मैं सुबह आया था। हाँ, सुबह से अभी तक टिकट नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, बस नहीं मिल रही। कुछ नहीं, कुछ नहीं। सब उपाय देख लिए मैंने, सब उपाय करके देख लिए। कुछ आपने किया? मैंने पहले तो ट्रेन से यूज किया, मैंने ट्रेन भी नहीं मिल रही है। उसके बाद मैंने कहा सीलमपुर गया मैं, वहाँ भी नहीं बस मिली, वहाँ से फिर मैं यहाँ आया। तो सब एक ही दिन निकलेंगे तो कहाँ से निकलेंगे? आज ही सब निकल रहे हैं, बहुत पब्लिक आज ही निकल रही है। नहीं आज भाई, तो मैं देख रहा हूँ, आज बताऊँ अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग रहा है, तो इसके वजह से पब्लिक परेशान हो गई। वो सोच रही पिछली बार की तरह कहीं फिर ना 3-4 महीने का लग जाए लॉकडाउन। कहीं ना कहीं डर है। हाँ डर है, तो इसके वजह से वो पहले से निकलना चाहते हैं। आप ये लोग बोल रहे हैं कि पहले की तरह ऐसा ना हो कि फिर से लॉकडाउन लग जाए, इन लोगों को कहीं ना कहीं डर सता रहा है लॉकडाउन का, जिसकी वजह से ये लोग आज ही के डेट में घर की तरफ जा रहे हैं। अचानक आज इन लोगों ने खबरों में देखा है कि आज रात 10 बजे से
लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है, इसलिए आज दिल्ली से जो प्रवासी मजदूर अपने गांव से प्रदेश में दिल्ली में कमाने के लिए आए थे वो लोग अपने गांव की तरफ चल दिए हुए। यहां पे कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद है, मैं इन लोगों से बात करता हूं। सर क्या नाम है आपका? सर रवि नाम है। अच्छा, आप तो घर जा रहे हैं? जी। घर क्यों जा रहे हैं? लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया, काम नहीं है कुछ भी, बंद हो गया बिल्कुल काम। काम नहीं चल रहा है? काम तो एक हफ्ते पहले ही बंद हो गया, अब बिल्कुल ही बंद कर दिया। जब तो कह रहे थे 2 दिन के लिए लॉकडाउन कर रहे हैं, अब सीधा डायरेक्ट आना पूरा 26 तारीख या 30 तारीख तक के लिए कर दिया पूरा परमानेंट। तो अब क्या करेगा बंदा, घर ही जाएगा। सरकार हेल्प नहीं कर रही? सरकार तो इतनी हेल्प कर रही है क्या ना, इधर से उधर परेशान कर रखा है। पहले कह दिया उधर चले जाओ, वहाँ पे गए किसी तरह से, महानी पे बस मिली, वापसी आए इधर तो फिर पुलिस वालों ने रोक लिया। पुलिस वालों ने यहाँ पे रोक लिया वापसी आते टाइम। मैं कह रहा है कहाँ जा रहे हो? मैंने सर अंदर जा रहे हैं। कह रहे क्यों जा रहे हो? उधर की तरफ से मिलेगी। मैंने सर उधर से ही आ रहे हैं वापसी। जब उन्होंने दोबारा आने दिया अंदर तो कहीं ना कहीं पुलिस भी परेशान कर रही है। पुलिस भी परेशान कर रही है। सरकार कहती आई है कि पिछले लॉकडाउन जो लगा था जब भी सरकार ने पूरी मदद की, कुछ नहीं मदद करी। सर क्या मदद करी है? बच्चे तक परेशान हो रहे हैं। अच्छा बाबू क्या नाम है? आर्यन। आर्यन, आर्यन बताओ घर क्यों जा रहे हो? बोलो। लॉकडाउन लग रहा है, इसको वजह से जा रहे हो? बोलो बाबू। कह दो हाँ। हाँ। ये क्या रखे हो? पगड़ी। ये घर की पगड़ी वगड़ी है। पगड़ी वगड़ी है, घर जा रहे हो? हाँ।